हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। काफी कॉमन क्वेश्चन होता है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलते हैं तो हर्बल प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वो सब प्रोडक्ट होते हैं जो आयुर्वेदिक मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस के अंदर बने हों और जिन पे आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पर बने हैं, उन पे आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लिखा होता है, लेकिन जो आयुर्वेदिक मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस के अंतर्गत बने होते हैं वो सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक होते हैं, चाहे वो हर्बल नेचर के हो या मिनरल नेचर के हो, किसी भी नेचर के हो, वो होते आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो आयुर्वेदिक मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस के अंदर बने होते हैं। उसके अलावा हर्बल प्रोडक्ट एक ब्रॉड क्राइटेरिया हो जाता है, एक ब्रॉड टर्म हो जाती है उन सभी प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, चाहे वो फूड के अंदर आता है, चाहे वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, चाहे आयुष में जितना यूनानी सिद्धा किसी भी अल्टरनेटिव सिस्टम का जो प्रोडक्ट है और जो हर्बल फॉर्म से बना हुआ हर्ब से प्योरली जिसमें केमिकल्स यूज नहीं किए गए हैं एज ए मेन इंग्रेडिएंट, जिनमें हर्बल प्रोडक्ट ही मेन इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, वो सब प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो हर्बल प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म होती है उन सभी प्रोडक्ट के लिए जो हर्बल नेचर में होते हैं, नेचुरल नेचर में होते हैं, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के अंतर्गत बने होते हैं, जो एज ए मेडिसिन प्रमोट किए जाते हैं आयुर्वेदिक। हर्बल प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि वो मेडिसिन के तौर पे ही इस्तेमाल होते हैं, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर उनमें जो इन्ग्रीडियंट यूज किए गए हैं वो नेल है हर्ब फॉर्म में यूज किए गए हैं तो वो भी हर्बल प्रोडक्ट में आएगा। फूड में अगर कोई बन रहा है, फूड सभी कैटेगरी बन रहा है और वो बिल्कुल नेचुरल है इन नेचर में हर्ब से बना हुआ है तो वो भी हर्बल में आएगा। उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट, चाहे वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो भी अगर हर्ब नेचर का है, नेचुरल नेचर का है, तो वो भी हर्बल के अंदर ही आएगा। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है कि आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट में। उम्मीद करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आप लगी होगी।